लाहौर मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स बैनुल अक्वामी मियार का जदीदतरीन स्लाटर हाउस है, जो पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी और मुशत मीट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ईरान का मुश्तरका मंसूबा है। शाहपुर कांजरा में 313 कैनाल पर मुहित मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर 29 नवंबर 2010 में शुरू हुई और 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से इसे मुकम्मल किया गया। 25 दिसंबर 2011 को वज़ीर आला पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया। ताहम एक माह गुजर जाने के बावजूद ये मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल नहीं हो सका है। पेमको के सीनियर अफसर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ सुलेमान साही का कहना है कि मनसूबा टेस्ट ट्रायल की बुनियाद पर चल रहा है और फरवरी के वस्त में बाकायदा फाल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ दी इट्स काइंड है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है और मशीनरी उस तरह की है, तो इसको चलाने के लिए आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी उतना स्किल्ड चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग चल रही है, विद इन 15 डेज इंशाल्लाह जो स्लॉटर हाउस है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में जानवरों का यार्ड प्रोसेसिंग जोन, मीट रिसाइकलिंग यूनिट्स में तुर्की और नीदरलैंड से मंगवाई गई मशीनरी भी मौजूद है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ सुलेमान साही का कहना है कि मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स के क्याम से न सिर्फ मुकामी तौर पर बीमारियों से पाक और आला मियार का गोश्त मुहैया हो सकेगा, बल्कि इजाफी गोश्त दुनिया भर में बरामद करके कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। ताहम इसको इफ्तिताह के फौरी बाद शुरू करने में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसमें मुश्किल एक जो हमें फेस करनी पड़ी अभी रिसेंटली, एक तो हमें बिजली का कनेक्शन अभी वापडा ने उस प्रोवाइड नहीं किया, जो कि मेजर हर्डल है, वो होपफुली विद इन ए वीक इंशाल्लाह वो मिल जाएगा, ये हर्डल भी दूर हो जाएगी। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि जिसमें जो माने हो इसको चलाने के लिए। शहरियों का कहना है कि इस महंगे तरीन मनसूबे को जल्द ऑपरेशनल किया जाए ताकि उनको मियारी और सस्ता गोश्त मिल सके। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ दुरे नायाब, सिटी 42, शाहपुर कांजरा।